श्री राम समर्थ मार्च 31। स्वयं को सुधारो, तुलना में जग सुधरेगा ही। ऐसी भावना हम रखते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं और भविष्य में दुख मोल लेकर दुखी होते हैं। जिसका फल अपने अधीन नहीं है, उस कर्म को मैंने किया ऐसा कहने में क्या पुरुषार्थ है। हम यह भी कहते हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ और भगवान को ही अर्पण करता हूँ, ऐसा कहने में भी हमें अभिमान होता है। संसार में सात्विक वृत्ति से कार्य करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनका भी मैं करने वाला हूँ कहने का अभिमान छूटता नहीं। वस्तुतः केवल कर्म करने से परमार्थ सिद्धता नहीं, कर्ता मैं नहीं हूँ यह समझना चाहिए, तभी सब सदता है। जिस कर्म के कर्ता हम नहीं होते, उसका कर्ता स्वयं बनकर हम दुखी होते हैं। जो कर्ता है, जो उसका अधिकार, उसे देकर हमें सुख दुख से परे रहना चाहिए। केवल एक कमरे में रहकर जो कैदी सुख मान लेता है, वह कैदी क्या असली सुख में रहता होगा, ऐसा आपको लगता है? देह के अतीत कुछ भी नहीं और विषय वासना में ही सब सुख मानना क्या उस कैदी ही की तरह नहीं है? किंतु उसके परे कुछ नहीं है, यह जब तक उसे नहीं समझता तब तक ही किसी व्यक्ति को सुख का लाभ होगा। यदि कैदी को बाहर की मुक्त हवा का अनुभव हुआ तो वह कैद में रहना ही अच्छा है, ऐसा नहीं कहेगा। उसी प्रकार मनुष्य को एक बार भी भगवान से प्राप्त होने वाली मुक्त हवा का अनुभव होगा तो वह विषय वासना के कीचड़ में रहना पसंद नहीं करेगा। हम अपना चित्त निर्विषय नहीं कर पाएंगे, किंतु वह भगवत भक्ति में रत नहीं कर पाएंगे ऐसी बात नहीं। वाहियात घोड़े को पुचकारते हैं, वैसे ही मन को पुचकारे। जब वृत्ति में परिवर्तन होता है तब सावधान रहना चाहिए। भगवान के नामस्मरण में बाधा आई तो अस्वस्थ लगना चाहिए। जब नामस्मरण की इच्छा नहीं होती तब जबरदस्ती से नामस्मरण करे, फिर जिन विषय वासना की इच्छा होती है वे गायब होती है। गृहस्थी में बाधाएं आती हैं, तब उन बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हम कोई रास्ता निकालते ही हैं। वैसे ही परमार्थ के लिए प्रयत्न करते समय आने वाले संकटों से हम क्यों डरे? यदि आज हम अपने विवेक से सुखी नहीं बन पाएंगे तो जीवन में हमको कभी सुख मिलेगा ही नहीं। केवल गिरी कंदराओं में जाकर क्या कभी परमार्थ साधन होता है? यदि वैसी बात होती तो परमार्थ पहले बंदरों को सदता, विचारहीन तथा निम्न स्तर के प्राणियों को विकार पर संयम करने की शक्ति ही नहीं होती। किंतु मनुष्य अच्छे बुरे की परख कर सकता है, उसमें सार और असार जानने की विचार शक्ति होती है। यह शक्ति हमें प्राप्त हुई है, यह तो भगवान की हम पर असीम कृपा है। जग सुधारने के फंदे में हमें उलझना नहीं चाहिए। उसके लिए लोगों का अलग ढंग से जन्म होता है। यदि अपना बेटा भी हो तो उसे समझाने का प्रयत्न करो, लेकिन मैं उसे सुधार कर ही रहूंगा ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वयं अपने को सुधारो तो तुलना में जग सुधरेगा ही। आज का मुख्य विचार, कर्तव्य के नाते वकील जैसे संघर्ष करता है, उसी प्रकार कर्तव्य समझकर ईमानदारी से अपनी गृहस्थी करे, भगवान को न भूले। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.